नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग बताइए कैसे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज पेपर था या फिर कल पेपर है? कल वाले कितने हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कल पेपर है, आज उनको डर लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, पेपर के लेवल में अभी तक तो कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के भी आपके क्वेश्चन आ रहे थे, उसी तरह के अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार आप एनालिसिस देख लीजिए, पहले दिन का, दूसरे दिन का, कल पेपर है, परसों पेपर है, कोई भी हो, आप एक दो दिन का एनालिसिस देख लीजिए और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये आपका परसेंटेज का सवाल है, बिल्कुल इजी इजी सवाल आ रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, कहा गया है एक संख्या के दो तिहाई के 3/8 का 1/5 जो है ये 20 है, तो आपको उस संख्या का 60% का मान निकालना है। चलिए देखिए, एक कोई संख्या है, मान लेते हैं कि संख्या आपकी x है। ठीक, इस संख्या का दो तिहाई का, ठीक है, इस संख्या का दो तिहाई का 3/8 का, ठीक, दो तिहाई का 3/8 का 1/5 जो है ये कितना है? तो ये आपका क्या है, ये आपका 20 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले संख्या निकालनी है, उसके बाद इस संख्या का आपको 60% निकालना है। तो देखिए, आपका यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 5 चौके 20 हो जाएगा। इस 20 को आप यहां लाके गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 20 गुणे का 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 400 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाए, सॉरी 400 तो आपकी संख्या आई है, 400 आपकी संख्या आई है, आपको यहाँ पे 60% निकालना है। इस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, 60/100 करेंगे, 6 चौके 24, यानी कि ये आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे, उस संख्या का 60% निकालना है। बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। एकाध क्वेश्चन आपके आ रहे हैं टफ, मैं अभी भी कह रहा हूं 15-16 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, बस उन एक दो क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़ के जाए, तो आपको मैं बता दूं, अभी से आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए एक बार। प्रॉफिट लॉस के साथ देखिए, अभी भी मैंने आज बच्चों से बात किया है तो ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहे हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन कुछ बच्चे छोड़ दे रहे हैं। सर, फॉर्मूला ही नहीं याद था, क्या करें? मेंसुरेशन के क्वेश्चन को छोड़िए मत, ये बहुत ही अच्छा मौका है, आसान सा पेपर आ रहा है, ये एक दो क्वेश्चन आपका बहुत फर्क डाल देगा। अभी भी देख लीजिए, जिसका भी पेपर नेक्स्ट वीक है, कल है, परसों है, अभी से फॉर्मूले याद करके चले जाइए, फॉर्मूले अभी से याद करके चले जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में, दो क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, तो फॉर्मूला रट के जरूर जाइएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। किसी घन का विकर्ण 6√3 है, तो उस घन का आयतन निकालना है। सबसे पहले घन का विकर्ण कैसे होता है, घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण यानी कि जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल बराबर जो आपका होता है ये होता है a√3। ए क्या होता है, ए आपकी यहां पे भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो a√3 बराबर क्या है, a√3 बराबर 6√3 है। आप √3 से √3 यहां पे काट देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बराबर आपका यहां पे 6 हो जाएगा। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका यहां पे 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे इसका आयतन निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है ये होता है ए का क्यूब, यानी जो भी भुजा है इस भुजा का आप क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। हर पेपर में दो सवाल मेंसुरेशन के हैं, दो सवाल मेंसुरेशन के फिक्स है, घन, घनाभ, इस तरह की चीजें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
घन से क्वेश्चन आ सकता है, घनाभ से आ सकता है, बेलन, शंकु, ये चार चीजें बैक टू बैक पूछी गई हैं, लगातार ये चारों से सवाल आ रहे हैं, चारों के हर एक फॉर्मूले आप रट के जाइएगा, ठीक। आपको मैंने डेली क्वेश्चन भी कराया है मेंसुरेशन से, आपको बैच में भी पढ़ा रखे हैं, तो हर एक चीज आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, 216 सबका आंसर एकदम सही है, सबका आंसर एकदम सही है। चलिए इसको करिए, तो एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन के सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं, ध्यान से करिएगा। बेलन का व्यास 14 का है, अगर डायमीटर 14 है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका 14 का आधा, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका यहां पे 14 का आधा, यानी कि रेडियस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यहां पे, ये आपका फॉर्मूला होता है 2πRh, यही होता है ना वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये कितना दिया गया है, ये आपको 220 दिया है, ठीक है। अब आपको यहां से इस बेलन का आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, बस इतना सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज है, ये आप इतने बस फॉर्मूले के वजह से आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, इस एकाध फॉर्मूले के वजह से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, याद कर लीजिए, अच्छे से याद करके जाइए, लेकिन क्वेश्चन करके आइए। देखिए 2 है, पाई का मतलब 22 बट्टे का 7, यहां पे रेडियस है और हाइट आपका, सॉरी रेडियस आपका 7 का है और हाइट आपको नहीं पता है, ये बराबर है 220 के, 22 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, आपकी हाइट पता चल गई। अब हाइट पता चल गया तो आयतन निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर 7 है यानी कि 7 गुड़े का 7, और हाइट आपकी 5 है तो 5 कर लेंगे, 22 पंजे 110 हो जाएगा, 110 गुड़े का 7 यानी कि 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहां पे आयतन निकल जाएगा, ठीक है। इतने की वजह से आप लोग सवाल छोड़ के आ रहे हैं, अभी भी बता रहा हूं, जिसका भी आगे या तो नेक्स्ट वीक आपका है या फिर उसके बाद है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले रट के जाइए, 2 क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर होते हैं, 4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है, या फिर अगर ना हो रहा हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर दीजिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दूं, डेली सुबह में 9 बजे मेरी क्लास चलती है, डेली सुबह में 9 बजे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कराते हैं, और बहुत जल्दी आपको सुबह में सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अभी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहा है रोज सुबह में 9 बजे, ठीक। इस क्वेश्चन को करिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 15 और 21 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, लेकिन 11 से भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता है, वो आपको यहां पे संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अगर यहां पे ऑप्शन होता ना, अगर यहां पे ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना और आसान हो जाता, बट ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भी हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि एक ऐसी संख्या बताइए जो कि 9, 15 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है, जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होती है, उसके लिए हमको 9, 15 और 21 का एलसीएम निकालना होगा। ऐसी कोई भी संख्या देखनी हो जो 9 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो, 21 से भी कटती हो, तो वो संख्या क्या होता है, उसके लिए इसका एलसीएम निकालना होगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 5 तिया 15, सत्ते 105 और 3 यानी कि 315, यानी कि 315 वो संख्या है जो कि आप जो 9 से 15 से 21 से तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 315 जो है ये पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पे एक शेषफल भी चाहिए, तो एक शेषफल के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको एक जोड़ना होगा,
ठीक है, यानी कि 316 वो संख्या हो जाएगी जो कि इनसे पूरा कटेगी भी और एक शेषफल बच जाएगा, इससे विभाज्य करने पर एक शेषफल बच जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या आपका ये 11 से कटेगा? 316 क्या 11 से कटता है? 11 दुने का 22 हो जाएगा, ये आपका 96, 11 अठे 88, ये कटेगा नहीं। अब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि इसको हम ऐसे बढ़ाएं कि ये 11 से कटने लगे। 316 तक अगर ये वाली लाइन नहीं होती ना, कि 11 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो 316 आंसर हो जाता, बट हमको आगे ढूंढना है। अगर यहां पे ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन से ढूंढना आसान हो जाता है। अब एक एक करके इस संख्याओं को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। जैसे अब देखिए, आपको बढ़ाना है ना, तो आप 315 में 2 से गुणा करेंगे, 315 में 2 से गुणा करेंगे तो 630 हो जाएगा। 630 वो संख्या है जो इन सबसे कट जाएगा, लेकिन एक शेषफल चाहिए तो एक जोड़ेंगे तो 631 हो जाएगा। क्या 631 आपका 11 से कटता है? अगर डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी देखेंगे तो 617, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा। अच्छा, अब 315 में हम 3 गुणा करेंगे तो ये आपका 945 हो जाएगा। 945 और एक शेषफल यानी कि 946, क्या 946 आपका कटेगा? तो 9 6 15 और 15 में से जब 4 घटाएंगे तो ये आपका 11 बचेगा, यानी कि ये संख्या कट रही है, ये आपका 946 संख्या कट रही है, तो आपकी संख्या यहाँ पे 946 हो जाएगी। वो संख्या जो कि 9 से कट रही है, 15 से कट रही है, 21 से कट रही है और हर जगह काटने पर एक शेषफल भी बच रहा है, साथ में वो संख्या 11 से भी कट रही है, तो वो संख्या आपकी 946 होगी। अगर इस सवाल में अपने पास ऑप्शन होता तो ऑप्शन से करना इसको और आसान हो जाता, ठीक है, ऑप्शन से करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक। तो आपका यहां पे सही जवाब 946 होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं है, ऑप्शन है तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ऑप्शन नहीं है इस वजह से क्वेश्चन आपको लेंदी दिख रहा होगा। अब देखिए, आप सबको बता दे, दो क्वेश्चन मेंसुरेशन के फिक्स है, दो क्वेश्चन मेंसुरेशन ये तो फिक्स है, हर शिफ्ट में आना आना है, ठीक है। इसके साथ आपका एक से दो क्वेश्चन रेशियो से आ रहा है, ठीक है, जिसमें तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात और आपका चतुर्थ अनुपात, ये वाला क्वेश्चन रोज आ रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसको भी देख के चले जाइएगा। तो अभी से भी 3-4 क्वेश्चन आपके फिक्स हो चुके हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं, उसको आप लोग आराम से कर देंगे। जरा इस क्वेश्चन को लगाइए आप सभी लोग, कितना आ रहा है? 144/5, ठीक, 144/5 आ रहा है। आ गया सबका? चलिए, तृतीय अनुपात क्या होता है? तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपात, जैसे एक संख्या 5, एक 12, एक मान लीजिए x है, तीनों के तीनों समानुपात में है, यानी तीनों का अनुपात समान है, ठीक है, अनुपात समान है, यानी कि 5/12 करेंगे तो ये 12/x के बराबर हो जाएगा। या तो ऐसे कह लीजिए, या तो आपको मैंने सिखा रखा है, अगर तीन संख्याएं समानुपात में हैं तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करिए, बीच वाली संख्या यानी कि 12 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बगल वाली संख्याओं के गुणा के, यानी 5x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर आपका 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144/5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 144/5 हो जाएगा। 144/5 तक रहने दीजिए, ठीक है, 144/5 तक रहने दीजिए, उसके आगे मत बढ़ाइए, ठीक, 144/5 ही आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है सबका आंसर, 28.5 भी आप सभी लोगों का सही है, ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। क्या कहा गया है? 10 गुणजों का औसत बताना है। अच्छा, 3 के पहले 10 गुणज कौन कौन से होंगे? अगर मैं 3 के पहले 10 गुणज की बात करूंगा तो एक तो आपका 3 होगा, फिर से 6, फिर से 9, ऐसे 10 गुणज यानी कि 30 तक संख्याएं हैं, यानी 3 से लेके
30 तक संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत बताना है। कैसे निकलेगा ये औसत, कितना होगा इसका औसत, कितना होगा? देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले तीन को हर जगह से कॉमन कर देंगे, सब में तीन है, तीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मैं तीन को कॉमन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दुने का छह, तीन तिया नौ, ऐसे कर करके तीन दहा में तीस, यहां पे ऐसी दस संख्याएं हैं। ठीक, औसत के लिए क्या करना होगा, औसत के लिए सबसे पहले आपको सभी संख्याओं को जोड़ना होगा, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं आप उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए, तो इसको आप सबको जोड़ेंगे तो आपको पता है अगर एक से दस तक संख्याओं को हम जोड़ते हैं, आपको शायद पता होगा तो 55 आता है, नहीं भी पता होगा तो आप इसको जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा एक से लेके अगर 10 तक संख्याओं को जोड़ने पर 55 आता है, तो ये 55 गुणे का 3 यानी कि 165 हो जाएगा। ठीक, 165 हो जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल आपकी 10 संख्याएं हैं, आप इसको 10 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 या 15 यानी 33/2 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप आगे भी काट सकते हैं, ये आपका 16.5 आपका यहां पे सही जवाब आएगा। ठीक है, 16.5 आपका सही जवाब आएगा। एक चीज और, अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर है, ध्यान दीजिएगा एक रूल पे, अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर है, जैसे यहां पे 3 का गैप, यहां पे 3 का गैप, ऐसे ही अगर सभी संख्याओं के बीच का गैप बराबर है, तो इसका औसत कैसे निकालते हैं, एक बार अगर कुछ याद आ रहा हो तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, पहली संख्या को अंतिम संख्या में जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, तो ऐसे हमारा औसत निकल जाता है, यानी 33/2 कर देंगे तो 16.5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा थोड़ा सा आपको याद हो तो ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है एक बार बता दीजिए। प्रिंस रॉय आपका भी सही है, बीच की 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, बस क्वेश्चन को पहचानना होता है, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, जब आप क्वेश्चन को पहचान जाएंगे ना, तो पहचानने के बाद क्वेश्चन बड़ी आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, सिक्कों का सवाल है, कैलकुलेटिव थोड़े से सवाल आ रहे हैं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बहुत हार्ड हार्ड है, आराम से आगे पीछे की संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, इसमें कौन सा हार्ड है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात 9, 5 और 6 का है, ऐसा अनुपात है। अगर मैं ये कहूं आपके पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो रुपए में कितना हो जाएगा, रुपए में आपके पास 4.5 रुपए होगा। ठीक, अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो रुपए में आपके पास 1.25 रुपए होगा। अगर 10 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो आपके पास 60 पैसा या फिर कहिए तो 0.6 रुपए आपके पास हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखिए टोटल कितना हो गया, आप इसको जोड़ेंगे तो रुपए में कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5, 5 2 7 6 13 का 3 कैरी 1, 4 1 5 1 6 यानी कि 6.35 रुपए आपके बैग में है। कितना है, 6.35 रुपए है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इस बैग में 317.5 रुपए है, कितना है, 317.5 रुपए है। ठीक, तो यहां का 1:1 किसके बराबर हो जाएगा, 1:1 जो होगा आपका 317.5/6.35 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पे काटने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आएगा। ठीक है, देखिए कटेगा कैसे, एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, नीचे एक पॉइंट बचेगा तो आपको बस ऊपर 1 0 बढ़ाना होगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से गुणा करना होगा। ठीक, थोड़ा सा पॉइंट हटाने में आप लोग फंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ये हो गया, नीचे आपका 635 हो गया, इसको काटिए तो 6 5 30
और 35 पंचे ठीक है, 50 बार में टोटल कट रहा है, ये टोटल 50 बार में कट रहा है, तो एक रेशियो आपका 50 के बराबर है, एक रेशियो 50 के बराबर है। आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, सॉरी रेशियो में 5 है, तो एक रेशियो बराबर 50 है, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर आपका 250 हो जाएगा, यानी कि 250 सिक्के आपके पास है किसके, 25 पैसे के। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, बेईमान दुकानदार भी लगातार आ रहा है, बेईमान दुकानदार आ रहा है, एक बार बेईमान दुकानदार वाले टॉपिक को रिवाइज करके जाइएगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो आप सभी लोग जल्दी से देखिए क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। छोटे छोटे कैलकुलेशन में बच्चे फंस रहे हैं, कहीं कहीं जाके बच्चे कैलकुलेशन करने में फंस जा रहे हैं, लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए, तो आप सभी लोग जल्दी से। इतना फास्ट, 11 सही 1 बट्टे का 9। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत पार्ट का प्रयोग कर 10% कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आप रेशियो से कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। सीपी ले लीजिए और एसपी ले लीजिए। देखिए आपको क्या कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, मुझे लग रहा है सुबह में ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है, आपसे पैसा ले रहा है 100 ग्राम का, ठीक है, सामान दे दे रहा है मात्र 90 ग्राम, 10% कम सामान दे दे रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको 90 का सामान 100 में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10/90, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 1/9 हो जाएगा, 1/9 यानी कि 11 सही 1/9% होता है। कितना होता है, 11 सही 1/9%। बिल्कुल आपके बहुत से क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सुबह में ही मैंने कराया था, सुबह में जो 9 बजे आपकी क्लास होती है वहां पे मैं अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन करिए जिसका पेपर आगे है, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में पेपर है उसका ज्वाइन करिए, ठीक है। जो बच्चा सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वाला है, तो 1-2 दिन के बाद आपकी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, सुबह में 9 बजे से मैथ्स पढ़ाना मैं शुरू करूँ, ठीक। चलिए फोन नहीं उठाते हैं मतलब, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि तेल की कीमतों में 10% ही है यहां पे भी, अच्छा तेल की कीमतों में 10% की अगर कमी कर दी जाए, तेल की कीमत में यदि 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आपको खपत को कितना कम करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए 100 रुपए का 1 किलो तेल मिल रहा है, ठीक है, अगर इसका 10% बढ़ जाए, यानी 110 रुपए में 1 किलो मिलेगा, ठीक, 100 110 लेके नहीं चलेंगे, 10 से काट देंगे, तो ये यहां पर 10 हो जाए, ये यहां पे 11 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 रुपए का 1 लीटर तेल है, तो अब ये बढ़ के 11 रुपए का 1 लीटर हो चुका है, ठीक, ये तो मूल्य हो गया। अगर मान लीजिए आप 11 रुपए का 1 लीटर खरीद रहे थे, तो अब आप 10 रुपए में 1 लीटर खरीदेंगे, ठीक, ये आपका खपत हो गया। खपत में क्या करना होगा, खपत में आपको कमी करना होगा, 1 की कमी करनी होगी, किस पे, 11 पर, तो 1/11 अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका 9 सही 1/11% होता है। आपके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपके खपत में 9 सही 1/11% की कमी आपको यहां पर करनी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग जल्दी से। कस्टमर केयर के नंबर पे अगर आप रात में कॉल करेंगे, तो उस समय पे आपका फोन शायद ना उठे रात में, ठीक, लेकिन अगर आप रात में कॉल किए हैं, तो सुबह में आपको कॉल बैक जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से। कल भी पेपर है क्या आप लोगों का, कल ऐसा कोई है जिसका कल पेपर है, कल पेपर हो या फिर परसों वाला कोई बच्चा, इस वीक में कल या परसों में किसी का पेपर है क्या, कल या परसों, 16 भी मेरा भी 16 को है, 16 यानी मंडे को एग्जाम है, कल वाला कोई है जिसका एग्जाम कल हो या फिर परसों हो, सैटरडे में किसी का एग्जाम है क्या। चलिए इस क्वेश्चन को करिए,
किसी गांव की जनसंख्या 85 लाख है, ठीक, 85 लाख है, जनसंख्या हर वर्ष 10% कम हो जाती है, 4 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? अब देख लीजिए, जो सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, ये 4 वर्ष ही बच्चों को फंसा रहा है, ये 4 वर्ष ही बच्चों को फंसा रहा है। सीआई वालों का डाटा किसी को नहीं याद था, बट ये डाटा याद था 85 लाख वाला। जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या 85 लाख है, ठीक है। जनसंख्या क्या है? 85 लाख। इसको पहले लिख ही लीजिएगा आप संख्या में सही से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। जानवरों की टोली, 85 लाख आपकी जनसंख्या है, हर साल जनसंख्या 10% कम हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, घट के 90%, फिर से 10% कम कटेंगे, फिर से घट के 90%, फिर से 10% कम कटे करेंगे, फिर से घट के 90%, फिर से 10% कम करेंगे, फिर से घट के 90% हो जाएगी, ठीक। ये जनसंख्या आपकी कम होगी। अब यहां पे आप बस करिए तो इसको गुणा करना बड़ी मुश्किल हो रहा होगा बच्चों के लिए। अगर ऑप्शन होता ना तो मैं इसको यूनिट डिजिट से कर देता, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन होता तो हम लोग इसको यूनिट डिजिट से कर लेते, ठीक है। आपका यहाँ पे 850 आ जाएगा और यहाँ पे 9981 और 9981 हो जाएगा। अगर इकाई अंक होता ना तो इतना हमको दिख रहा है, सबसे आखिरी अंक आपका 0 होगा, उसके बाद इसमें क्या आएगा, उसके बाद इसमें 5 आने वाला था, लास्ट में 50 आता, क्या हो गया? इक्यावन लाख नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा, 51 लाख नहीं आने वाला है, संख्या थोड़ी सी ये घूमेगी, ठीक, लास्ट में 50 आएगा, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक, आगे का कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, क्योंकि इससे अब ज्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक। 81 का स्क्वायर करिए, उसमें 850 को गुणा करिए। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपने फोन का कैलकुलेटर यूज किया है, पता है, ठीक है, इतना आएगा। ये आपको 4 साल ना पेपर में गुणा करने को आ रहा है, तो तैयार रहिएगा हाथ से गुणा करने के लिए, ठीक, इसको हाथ से गुणा करने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, कल है ना आप लोगों का पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर दीजिए, बहुत डर लग रहा है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए। जानवरों की टोली क्या है, अभी नाम लिख के आ रहा था जानवरों की टोली, इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। नंबर नोट करने, रिप्लाई आपको, देखिए आप डिपेंड करता है आप पूछ क्या रहे हैं, आपके सारे देखिए कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस मैंने खुद सबके चेक किए हैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और बहुत से बच्चों को मैंने कॉल भी किया है, जो बच्चे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन भेजे हैं ना, उन सारे बच्चों को मैंने कॉल भी किया है, अगर कोई बच्चा होगा तो बताएगा भी, सबको मैंने कॉल भी किया है, ठीक है। लेकिन उस समय सारे बच्चे कोई स्टेशन पे है, कोई बस में है, कोई कहीं है, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। एक इसी काम को 18 दिन में और बी इसी काम को 36 दिन में करता है। टाइम एंड वर्क का बड़ी आसान सा सवाल आ रहा है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान सा सवाल आ रहा है, तो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भी आपका एक आ जाए या दो आ जाए, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके फिक्स हो गए, 5-6 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर देंगे, जो कुछ नहीं पढ़ा होगा। 18 और 36, यानी कि एलसीएम तो 36 हो गया, 18 दुने का 36, 36 एकम 36, कुल काम 36 यूनिट का, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 3 यूनिट का काम हो रहा है, तो 36 यूनिट के काम को करने में 12 दिन का समय लगने वाला है। कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 12 दिन का समय लगने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, हाँ जब पढ़े हैं तो डरना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे पेपर दे के आप लोग फोन करिएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। सुबह में डेली आपकी क्लास चलती है, देखिए सुबह में डेली आपको 9 बजे पढ़ाते हैं, वहां पे क्लास करिए, एग्जाम का यही लेवल है, एक दो लेवल आपने देखा है ना 4 साल वाला, कहीं कहीं कुछ संख्याएं बदल रही हैं,
18, 24, 25 से विभाज्य चार अंकों की संख्या के अंकों का योग बता दीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करिए। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों का रिव्यू देख लीजिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए क्या कहा गया है। एक बस जो है 3 किलोमीटर लंबे चार खंड क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, तो उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी, आपको यहां पे औसत चाल बताना है। अब देखिए तीन खंड है और तीनों खंड बराबर है, यानी किसका केस है, ये आपका डिस्टेंस इक्वल वाला केस है, दूरी समान वाला केस आपका यहां पे बन रहा है। अगर दूरी समान है तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए आपका कोई एक दूरी को तय कर रहा है 10 से 20 से 30 से और 60 से। ठीक, सबसे पहले आपको इसका यहां पे एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर 60 किलोमीटर की दूरी को 10 की रफ्तार से चला जाए तो 6 घंटा, 60 की दूरी को 20 से चला जाए 3 घंटा, 60 की दूरी को 30 से चला जाए 2 घंटा, 60 की दूरी को 60 से चला जाए 1 घंटा। यहां पे चार बराबर बराबर दूरी है, तो आपको मैंने सिखा रखा है क्या करिएगा, दूरी है 60 गुणे का 4 कर लीजिएगा, चार खंड है ना, चार बराबर बराबर खंड है, गुणे का 4 कर लीजिएगा, और यहां पे आप क्या करिएगा, इन समय को लिख दीजिएगा 6 + 3 + 2 + 1। ठीक, 6 × 24 = 240, यहां पे 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 1 = 12, यानी कि 12 20 से कटेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पे आंसर आ रहा है। हड्डी पहलवान हिंदी 20 में 20 करके आए हैं या कर देंगे, कहां गए बच्चे, 12 वाले, 12 भी आ रहा था, 30 भी 20 आएगा, ध्यान से कराया हुआ क्वेश्चन है। आपके पेपर में 3 वाला आया था, ठीक है, 3 वाला आया था, बट मैंने यहां पे 4 वाला करा दिया है। ठीक, 2 वाला आ रहा है, 3 वाला आ रहा है, बराबर दूरी वाला, तो आपको मैंने 4 वाला करा दिया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को करिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करेंगे आप सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से, कर दीजिए आप सभी लोग। देखिए कहा गया है 12,000 रुपए है, 9% आपका ब्याज का दर है, मिश्रधन इतना हो जाता है, समय बताना है, साधारण ब्याज की बात कही गई है, एसआई की बात कही गई है, साधारण ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए करिए जरा आप सभी लोग इस सवाल को जल्दी से करिए। तो देखिए आपका जो बॉर्ड मास का क्वेश्चन आया है, बॉर्ड मास का क्वेश्चन आ रहा है, डेली एक क्वेश्चन बॉर्ड मास का आ रहा है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आ रहा है बॉर्ड मास का। ठीक, साधारण ब्याज का सवाल है, ये साधारण ब्याज है। अगर आप 12,000 रुपए रखते हैं, ठीक, आप 12,000 रुपए रखते हैं, तो ये बढ़ के 18,480 हो रहा है। ठीक है, बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है आपका 6,480। ब्याज कितने का मिल रहा है, 6,480, यानी कि आपको पता है एसआई बराबर पी, यानी कि 12,000 गुड़े का रेट, यानी कि 9% गुड़े का समय बट्टे का 100, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, एसआई बराबर पीआरटी बट्टे का 100, एसआई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बट्टे का 100, यही आपका सवाल होता है, इसको सॉरी ये फॉर्मूला होता है। इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 और 9 × 6 = 54 होता है, तो टी बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि आपको यहां पे 6 वर्ष का समय लगने वाला है। कितना समय लगेगा, 6 वर्ष में ये होगा, आप 12,000 रुपए रखेंगे, वो 18,480 रुपए हो जाएगा, कितने वर्षों में, तो 6 वर्ष यहां पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन आपके 2-3 टफ आ रहे हैं, क्वेश्चन में डिजिट आपके कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कुछ डिजिट बच्चों को याद नहीं रहता है, बट हाँ डिजिट कहीं कहीं कैलकुलेटिव आ रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न बहुत आसान आ रहा है। ठीक, चलिए
इस क्वेश्चन को करिए, आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 6 फरवरी को डर लग रहा है, अरे डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग करके आएंगे। हड्डी पहलवान रीजनिंग 17 सही है, हिंदी 20 सही है। अच्छा चलिए इसको करिए। तो यदि 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता है, यदि 100 रुपए में कोई 11 पुस्तकें खरीद रहा है तो एक का यहां पे क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और 10 पुस्तकों को 110 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको यहां पे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो आपसे यहां पे पूछा गया है प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का आपका लाभ होगा। ठीक, हड्डी पहलवान बता रहे हैं सिंपल बट कैलकुलेटिव, आज आपका पेपर था, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं देखिए पैटर्न आपका बिल्कुल आसान वाला है, लेकिन क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं, संख्याएं आपकी बड़ी हो रही हैं। जैसे अभी 85 लाख वाला जो क्वेश्चन था देखने में सिंपल था, बट कैलकुलेशन था तो ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस कैलकुलेशन को लास्ट में छोड़ दीजिएगा, लास्ट में उन सारे कैलकुलेटिव सवालों को आप लोग करिएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कितना हो जाएगा इसमें, आप देखिए आप यहां 0 से 0 काट लीजिए, इस एक को यहां, इसको यहां गुणा कर दीजिए, सीपीएसपी का रेशियो ले लीजिए, तो ये 100 हो जाएगा, इधर 121 हो जाएगा, यानी 100 की वस्तु को 121 में बेचेंगे तो 21 का लाभ होगा। किस पे, 100 पे, तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ का प्रतिशत आपका यहां पर 21% का होगा। ठीक, 21% का आपका यहां पे लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए और मैं बता दूं यहां पे प्रॉफिट होगा। एक कोई ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, एक बार बताइएगा, ट्रैक शायद सर्कुलर था, सर्कुलर ट्रैक था कि आमने सामने ये लोग थे, दो लोग थे, एक इधर की ओर चल रहा है, इसकी स्पीड 60 की है, 60 मीटर पर सेकेंड की, और एक इधर की ओर चल रहा है और इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड का, ऐसा कुछ था। और इनका ये जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक की लंबाई आपकी ऐसा कुछ मान लीजिए 1000 मीटर है। ठीक है, इस ट्रैक की लंबाई मान लीजिए 1000 मीटर है, तो आपको बताना है कितने देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, कितने देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। हड्डी पहलवान सिंपल है भाई, सिंपल आ रहा है ना, हाँ अभी से मैथ का मैराथन चला देंगे, शुरू में आपको बहुत चीजें कराए हैं। ठीक है सर, मेरे पास एमटीएस का प्रैक्टिस बुक है जिसमें टेस्ट लगाती हूँ तो 25 में से 22 23 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15-16 आराम से करके आएंगे। अंजलि सिंह आपका 15-16-17 आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इस ट्रैक की लंबाई 100 मीटर की है तो कितने देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, जरा ये बता दीजिए। तो देखिए ये आपका सेम सवाल है, यहां पे आपको सापेक्ष चाल की बात करनी होगी, यहां पे दूरी कितने की है, दूरी आपकी 1000 मीटर है। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी है। ठीक, अच्छा अब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, आपको पता है अगर दो चीजें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो इस केस में क्या करते हैं, इनका चाल, इनका सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, इनका सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाता है। जब ये दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा ना। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 1000 मीटर, और इनका सापेक्ष चाल है 100 मीटर प्रति सेकंड का, यानी कि कितना समय लगेगा इन दोनों को आपस में मिलने में, 10 सेकंड का समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है इन दोनों को आपस में मिलने में, 10 सेकंड का समय यहां पे लगेगा। ठीक है, तो 10 सेकंड इसका यहां पे सही जगह जवाब हो जाएगा। ठीक, देखिए आप जो भी बच्चे हैं ना, कल है परसों है जब भी पेपर है आराम से, अच्छा 9+6 था और 1800 मीटर था, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्पीड कितने कितने की थी, स्पीड 9 की थी, स्पीड 9 की थी और स्पीड 6 की थी। ठीक है, और दूरी ये 1800 था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सवाल आराम से होगा। ठीक, सेम सवाल है, पैटर्न सेम है, मुझे पैटर्न चला पता चला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, इस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, चलिए तो आपका जो भी हो, डिजिट जो भी है, आराम से आप सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग
जो जो आप पढ़ाए थे वो आया था मेरे पेपर में, सर धन्यवाद आपका। देखिए आपको वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुबह में डेली 9 बजे मेरी क्लास चलती है जहां पे मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। तो सुबह वाली उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए जिसका आने वाले दिनों में पेपर है, ठीक। एक बार बताइए क्लास कैसा लगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, आराम से जाइए, आराम से आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल, 120 सेकेंड आएगा, ठीक है, 120 सेकंड आएगा। बहुत ही अच्छे से आप लोग पेपर देके आइए, ठीक। पेपर देके आपका जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर कैसा गया पेपर, इस नंबर पे जरा मैसेज कर दीजिएगा। 7080108555 ये आपका एसएससी मेकर का व्हाट्सएप नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है, इस पे आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, ठीक। चलिए तो आपको बता दूं, जो भी बच्चे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की तैयारी कर रहे हैं, जो फौजी बैच से नहीं जुड़े थे, फौजी बैच वाले आपका फौजी बैच ही इस बैच में भी काम कर देगा, ठीक है। बाकी जो नहीं जुड़ा था वो क्या करेगा, इस अभय बैच से जुड़ेगा। इसकी फीस मात्र 299 है और ये आपको मिल जाएगा एसएससी मेकर के ऐप पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप अदर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द सुबह में मैं 9 बजे, सुबह की जो 9 बजे क्लास होती है उसमें आपको मैं 9 AM की जो क्लास होती है इसमें CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। सुबह में जो 9 बजे होगी इसमें आपको अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा सुबह में, ठीक है। तो उस क्लास से भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर गया सर, आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस ऐसे ही आप लोग बताते रहिए, ठीक है। जीके में डाउट हो रहा है क्या करें, एक बार देखिए क्या पूछा जा रहा है, वैसे चीजें आप पढ़ के जाइए जीके में, ठीक। टेलीग्राम की आईडी, आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूं, देखिए ये आपका जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका यहां पे बैच है, ये बैच आपको मात्र 399 में मिल जाएगा, ठीक। इसके साथ टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम का हर एक अपडेट आपको यहां टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप पीडीएफ में आपका लिंक होगा, ठीक है, या फिर एसएससी मेकर पे आप, सॉरी टेलीग्राम पर एसएससी मेकर लिखेंगे ना तो वहां से आपको पता चल जाएगा। रोज सुबह में 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास जो कि मैं कराता हूं, ठीक, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 11 बजे जीएस, 2 बजे हिंदी, आपकी 4 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, ठीक, 6 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी जीएस की क्लास चलती है और डेली रात को 8 बजे आपका एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग अजय सर कराते हैं। अभी एनालिसिस की वजह से ये क्लास नहीं हो पा रही है, बहुत जल्द आपकी ये वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के आइए, आराम से पेपर दे के आइए, पेपर ईजी आ रहा है, बस कहीं पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में सुबह 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।